22 जनवरी 2015 को हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। उस वक्त झुंझुनू का लिंगानुपात बिगड़ा हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 लड़कों के मुकाबले झुंझुनू में 837 लड़कियां थीं। मुहिम के 3 साल बाद हालात बदल गए हैं। अब झुंझुनू में 1000 लड़कों के मुकाबले 955 लड़कियां हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जो बड़े कदम उठाए गए वो आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। सांसद संतोष अहलावत की समझाइश मुहिम 2009 में राजस्थान के इतिहास का पहला डिकॉय ऑपरेशन और इसके बाद दिसंबर 2014 में आयोजित महाशपथ कार्यक्रम ने बेटियों के प्रति नजरिया बदल दिया। झुंझुनू ने न केवल अभियान के हर बिंदु में अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित की है बल्कि ऐसा माहौल भी बनाया जो आज न केवल राजस्थान बल्कि देश के लिए आदर्श के रूप में है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री अब इस अभियान को झुंझुनू की वीर धरा से पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। पीएम कुपोषण मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को भी 8 मार्च को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इम्तियाज भाटी, ईटीवी न्यूज, झुंझुनू। Prime Minister Sri Narendra Modi will visit Junjunu in Rajasthan on the 8th of March, the International Women's Day, giving a fillip to the government's initiative to save and educate the girl child. The Prime Minister will inaugurate the pan-India expansion of Beti Bachao Beti Padheo program. BABBP up from the existing 161 districts to 640 districts all over the country. The Prime Minister will interact with beneficiary mothers and girl children of the program. He will distribute certificates to best performing districts under Beti Bachao Beti Padheo program. In another landmark initiative, National Nutrition Mission, NNM will be launched nationwide by the Prime Minister from Junjunu.